हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो, आज की जो टॉपिक है वो बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया है बाकायदा वीडियो पे, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए मुझे इस चीज़ की। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये इतना बड़ा क्वेश्चन होगा। आज का टॉपिक है कि आपके पार्टनर के साथ क्या आपको रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। यार एक सेकेंड ना यार, मुझे कुछ ध्यान आ गया, एक सेकेंड। हाँ, आप लोगों को चेक करना ये है कि मूव ऑन करें नहीं करें, और आगे क्या करना चाहिए रिलेशनशिप के लिए, क्या स्टेप्स होने चाहिए। वेट, मैं एक्चुअली लैम्प ऑन करना भूल गई थी। आप लोगों की क्यूरियोसिटी यही है रिलेशनशिप को लेकर, तो अब कलेक्टिव रीडिंग है, पहचाने कैसे कि ये हमारे लिए ही मैसेज है कि नहीं है। तो देखो, करंट सिचुएशन बताने वाली हूँ, जो करंट सिचुएशन अगर मैच हो रही है तो डेफिनेटली रीडिंग आप ही के लिए होगी। जो भी होगा सच बताया जाएगा, राइट और रॉन्ग। देखो, पूरी तरह मैंने एक्सप्लेन किया है हमेशा कि इस चैनल पे मैं शुगर कोटेड बातें नहीं समझ में आती मुझे, मैं सीधी बात नो बकवास वाली पर्सनालिटी हूँ, बहुत ज़्यादा खुलकर बोल देती हूँ। अब नेगेटिव हो या पॉजिटिव, जो भी है आपके सामने है। जिन लोगों ने रिक्वेस्ट की उनकी दिली मुराद जो है, दिली इच्छा पूरी कर रही हूँ। ध्यान रखना, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थीटा पे ध्यान नहीं देना है, ध्यान सिर्फ एनर्जीज पे देना है, और साथ ही साथ जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सबके लिए रिजोनेट करे। ओके, कुछ लोगों के लिए करेगी, कुछ लोगों के लिए नहीं करेगी, ठीक है। सो चले लेके प्रभु का नाम शुरुआत करते हैं आपकी रीडिंग। आप अगर सोच रहे हो दिया क्यों ऐसे चल रहा है, तो वो नवरात्रि के कारण है। सुबह पूजा वूजा करके मेडिटेशन वेडिटेशन निपटा कर फिर अभी बैठी हूँ, तो सुबह की शुरुआत में आदत है मुझे दिया लगाने की, तो उसके कारण यूजुअली कैंडल आप लोगों के सामने जलती है, राइट। सो चलो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करो। बहुत बोलते हो आप लोग, बहुत बातें करते हो। अच्छा दीदी, यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या है, इनकी लव लाइफ में इनकी करंट सिचुएशन क्या है। बहुत ही क्यूट क्यूट छोटे छोटे कार्ड्स हैं टैरो, ये जो टैरो कार्ड्स हैं बहुत छोटे छोटे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्स, दी लवर्स, दी चैरियट, स्टार, दी टावर। ओहो, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आप जो है किसी मैन्युपुलेटिव इंसान का सामना कर रहे हो। नहीं, मैन्युपुलेटिव मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके पार्टनर है। मैन्युपुलेटिव व्यक्ति जो मैं देख पा रही हूँ ये कोई थर्ड पर्सन है जो आप दोनों के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो गए हैं, जिसके कारण आपका रिलेशनशिप बेटर होने की जगह और डिफ़िकल्ट सिचुएशन पर जाकर पहुँचा है। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा ईविल हैं, बिकॉज सबसे पहले जो मुझे दिखाई दिया वो कोई तीसरा व्यक्ति ही दिखाई दिया। तो सॉरी, ये रीडिंग थर्ड पार्टी डेफिनेटली है, इस रीडिंग में थर्ड पार्टी है। अब आपसे मैच करे ना करे वो आप देख लेना आगे करंट सिचुएशन से, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक तो थर्ड पार्टी रीज़न है, दूसरा आप भी इसकी वजह हो। यार अब सत्य बोलने की आदत है, इसकी वजह यानी कि आपका भी माइंडसेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत नेगेटिव हो चुका है, यानी कि कहीं ना कहीं आपने गिव अप कर दिया है। आप इस रिलेशनशिप में ऐसा मानने लगे हो कि यस, आपके पार्टनर की प्रायोरिटीज़ दूसरी जगह ज़्यादा है, आपकी तरफ उनका लव या उनका स्नेह या जो उन कनेक्शन है वो उतना है ही नहीं, उनको हमेशा दूसरे की पड़ी रहती है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके थॉट्स उन चीज़ों को और ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर लवर्स की एनर्जी ये रिप्रेजेंट करती है कि आपके पार्टनर आपके प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, आपके प्रति वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपके प्रति वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बट आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा वो जो वैल्यू करते हैं वो तीसरे व्यक्ति के करते हैं, जस्ट बिकॉज वो उनके साथ या तो रह रहे हैं या उनकी बात कोई मान रहे हैं। आप उसके पीछे का सत्य देखना ही नहीं चाहते, आप नहीं देखना चाहते उसका कारण क्या है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, उनका कोई इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में उनके थॉट प्रोसेस में कुछ ऐसा है जिसके कारण वो ये स्टेप ले रहे हैं, उनकी मजबूरियाँ हो सकती है, बट कहीं ना कहीं आप इनको प्लेयर एनर्जी में मानने लगे हो, जबकि आपके पार्टनर आपके प्रति बहुत ही प्यार की भावना से देखते हैं। आपकी इस एनर्जी के चलते ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस आ गए हैं, डिस्टेंस आ गए हैं। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि ब्लॉक की शुरुआत आपके पार्टनर ने हो सकता है की थी, लेकिन ब्लॉक अनब्लॉक या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बार बार बनती है आपके रिलेशनशिप में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अंडरस्टैंडिंग की बहुत कमी है, पार्टनर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, बजाय चीज़ें एक्सप्लेन करने की वो भी गिव अप कर देते हैं। चांसेस है कि रिसेंटली थोड़े टाइम से उनका धीरे धीरे आपसे अट्रैक्शन भी कम होता चला जा रहा है, बिकॉज वो आपको एक्सप्लेन करना या प्रूफ करना ये नहीं समझ पा रहे कि कैसे होना है, क्योंकि आप
उनको ऐसा कहीं ना कहीं विश्वास हो गया है कि आप ऐसे भी उनके उनको बिलीव नहीं करोगे, आप उनको अंडरस्टैंड नहीं करोगे, आप शायद उनसे प्यार करते ही नहीं हो, आप बदल गए हो, आपको सिर्फ पड़ी है सामने वालों की, आप देख ही नहीं पा रहे हो कि वो आपसे कितना प्यार कर रहे हैं, यानी कि उनका प्यार आप कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रहे हो। देखो यार, सच्चाई ये बताऊँ, आपके पार्टनर भी बहुत इनसिक्योर हैं आपके प्रति, बहुत पजेसिव है। अगर यही तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच में आ जाए तो इनकी जल के राख हो जाती है, फिर ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन अभी क्या बोलते हैं ना कि आपकी जगह पर ये आकर देखे नहीं है, उस जगह पर बैठे नहीं है या बैठी नहीं है, इसलिए कहना बड़ा आसान है कि भाई ठीक है यार, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है मैं समझ सकती हूँ आपकी स्थिति। लेकिन एक चीज़, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने आप लोगों के इसमें पाई, जो आपकी रीडिंग में मैंने पाई, आप खुद ही थर्ड पार्टी को काफ़ी पावरफुल पोजिशन पर मैनिफेस्ट करते हो। जानो, देखो सच्ची, जानो ना जानो, सॉरी बोली, मानो या ना मानो, फैक्ट ये है कि आपने ही थर्ड पार्टी को अपनी अपनी जगह पे हैवी पोजीशन दे रखी है। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, करियर, फाइनेंस भी हो सकता है, आपने ही इस पोजीशन को हैवी कर दिया है। आप बार बार ये थॉट प्रोसेस रखते हो कि उससे वो बहुत प्यार करते हैं, उससे वो बहुत टाइम दे रहे हैं, उन दोनों के तो मज़े चल रहे हैं, वो उनके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके साथ लल्लू पच्चू चालू है, मेरे को बिल्कुल ध्यान दे नहीं रहे हैं, वहाँ ये हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देख रहे, आपको या तो पैसों के लिए या तो आपको फिजिकल नीड्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये आपका माइंडसेट बन चुका है। आपके पार्टनर आपसे सच बोलते ही नहीं है, झूठ बोलते हैं, ये सारी थॉट प्रोसेस आपने इतना सोचा है कि आपने इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लिया अपनी लाइफ में, और इतना स्ट्रांगली मैनिफेस्ट किया है कि क्या ही कहें कि आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा सरदर्द बढ़ रहा है, और ज़्यादा एन्जाइटी बढ़ रही है, और ज़्यादा आप जो है लो फील करते हो। सामने वाले लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी में मज़े में जा रहे हैं, मस्त खुश लगे पड़े हैं, और लोग गलत कर्म करके भी, गलत करके भी वो खुश हैं, और आपकी यहाँ पे दशा जो है ख़राब हो चुकी है। इसके चक्कर में आप सोच सोच कर खुद को खुद एग्जॉस्ट करते हो, रोते हो, बिना वजह एन्जाइटी लेते हो, स्ट्रेस लेते हो। सो दीदी, ऐसे में क्या करना चाहिए? आते हैं मुद्दे पर, वहाँ पे भी टॉपिक पे भी आएंगे, लेकिन यहाँ पर ये करंट सिचुएशन है जहाँ पर आपको ये लगने लगा है कि आपके पार्टनर प्लेयर एनर्जी में है, जबकि आपके पार्टनर दोनों जगह बैलेंस करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो दोनों तरफ ध्यान दे रहे हैं, वो दोनों तरफ कोशिश कर रहे हैं कि इसके साथ भी जस्टिस हो, इसके साथ भी जस्टिस हो। बस ये है कि वो झूठ बोल रहे हैं या थोड़े से पॉलिटिकल बिहेवियर को दिखा रहे हैं, जिसके कारण आपको लगता है कि ये व्यक्ति मेरे साथ सच्चा ही नहीं है, या ये व्यक्ति बहाने बना रहा है। अब इनसे कहीं हद तक ऐसी वाइब जो निकल रही है, उनका मुझे कहीं ना कहीं ऐसा नेचर दिखाई दे रहा है, ये अक्सर झूठ तब बोलते हैं जब ये चाहते हैं कि आपका दिल ना दुखाएं या आपको हर्ट ना करें, क्योंकि इनको अच्छे से ये पता है, जानकारी है कि अगर आपको इन्होंने सच्चाई से सब कुछ बताया तो आप डेफिनेटली हर्ट होंगे, और ये आपको हर्ट करने वाली पर्सनालिटी बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप किसी भी रीज़न से हर्ट हो जाएं या अपसेट हो जाए, इसलिए या तो ये अपनी बातें छुपाते हैं, या ये अपने बारे में ज़्यादा बताते नहीं, या बताते हैं तो झूठ बताते हैं, ठीक है। या कुछ चीज़ों पे अगर आप इनसे एक्शन एक्सपेक्ट करते हो, ये तो मौन धारण कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा बोलते नहीं, इस तरीके की एनर्जी है, बट ये बैलेंस रहना चाहते हैं, ये आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, बट ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दिन ब दिन कॉम्प्लिकेटेड हो गए हो, जिसके कारण ये खुद भी नहीं समझ पा रहे कि इन्हें आपके प्रति क्या एक्शंस लेने चाहिए, आखिर क्या करना चाहिए, और अपने प्यार को प्रूफ कैसे करना चाहिए। मरता क्या ना करता वाली एनर्जी के बाद इनके बाल नोचने की नौबत आ चुकी है, जहाँ पर ये खुद परेशान है, और इस रिलेशनशिप से धीरे धीरे ये डिस्ट्रैक्ट, और बोलते ना कहीं अट्रैक्शन कम महसूस कर रहे हैं, और इस रिलेशनशिप से दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यदि टावर की एनर्जी है, ऐसा लग रहा है जैसे रिलेशनशिप इनको अब उतना हैपनिंग या स्पाइसी नहीं लग रहा है। हार्श ट्रूथ है यार, जान लो यार, सच्चाई तो यही है, आपके पार्टनर को अब ये रिलेशनशिप स्पाइसी नहीं लग रहा, मज़ेदार नहीं लग रहा। इस रिलेशनशिप में आप दोनों हंसते थे बहुत ज़्यादा, आप दोनों का कंपेनियन इतना स्ट्रांग था कि लोग आप लोगों से जलते थे, ऐसी जोड़ी मांगते थे, आपके दोस्त हो, आपके आसपास के लोग हो, इनके दोस्त हो, दुआ करते थे कि ऐसा रिलेशनशिप हमें चाहिए, बट लोगों की ऐसी नज़र लगी, ऐसी काली नज़र लगी है आप लोगों को कि आपकी रिलेशनशिप इतनी स्पॉइल हो गई है कि वो चीज़ें ठीक होने का नाम नहीं लेती। और मानो ना मानो, हार्श ट्रूथ ये है, ईगो दोनों में है। आप बोलोगे ईगो उसमें है, हाँ आधे से ज़्यादा लोग एक्सेप्ट करोगे ही नहीं कि आप में ईगो है। नहीं नहीं, ईगो क्यों होगी, आप तो देवता हैं, आप तो देवी हैं, क्योंकि आपने बहुत प्यार किया, सामने वाले ने गलत किया, ठीक है जो भी है यार, वो मुझे लगता है हर पॉइंट का, मतलब बोलते ना, हर सिक्के का दो पहलू तो होता ही है।
आपने दूसरा पहलू देखना ज़रूरी नहीं समझा, आप उसी पे फोकस कर रहे हैं जो लोग दिखाना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में दूसरे लोग इतना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जैसे वो भड़क रहे हैं वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वैसे आप भी बिना वजह इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। चीज़ों को प्यार से या प्रेम से हैंडल करने की जगह इस रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा गैप आता चला जा रहा है, इतना ज़्यादा सेपरेशन का प्रॉब्लम। अगर आपके पार्टनर आपसे ये कह चुके हैं, आप में से कुछ लोगों के लिए डिफर कर जाएगा लेकिन कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली रिजोनेट करेगा। अगर आपके पार्टनर ये कह चुके हैं कि चलो मूव ऑन कर लेते हैं या ब्रेकअप कर लेते हैं या डाइवोर्स ले लेते हैं या सेपरेट हो जाते हैं, तो मैं बता देती हूँ ये इनका लास्ट फैसला होगा। या तो ये आपको सुधेरने की कोशिश कर रहे हैं या इस रिलेशनशिप से ये बहुत बुरी तरह से ऊब चुके हैं, क्योंकि आप वैसे नहीं रहे। आपको अगर लगता है कि ये पर्सन वैसे नहीं रहे, बदल गए, तो आप भी वैसे नहीं रहे, आप भी बदल गए हो। तो आपके बदलाव जब आप नोटिस नहीं कर पा रहे हो, आप एक ऐसी पर्सनालिटी थे जो बहुत हंसते थे, मस्ती करते थे हर चीज़ में ना, आप बहुत रिलैक्स्ड और एकदम काम रहते थे कि ठीक है यार चिल करो यार, हर लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्या करना। आप लाइफ को लेकर बहुत ईजी गोइंग पर्सनैलिटी थे, हंसते थे मस्ती करते थे, बात बात पर आप दोनों की ट्यूनिंग देखने लायक होती थी। लेकिन अब आप क्या बन गए हो? सारा टाइम रोना, एंजाइटी लेना, शिकायतें करना, प्रॉब्लम्स गिनवाना, विक्टिम कार्ड बार बार ऐसा दिखाना कि मेरी ज़िंदगी तुमने तबाह कर दी, इतने साल मैंने तुम्हें प्यार दिया। अरे इतने साल वो भी तो कनेक्टेड थे, इतने साल अगर रिश्ता चला, 7 साल था, 1 साल था, 3 साल चला, तो वो एक के दम पर नहीं चला होगा, दो लोग चला रहे थे इसको। हाँ दिख कम रहा होगा आपको कि हाँ ये तो एफर्ट होता है, हम ह्यूमन नेचर हैं, हम ह्यूमन नेचर का ईगो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, हम लोगों का ऐसा होता है कि हम मानते ही नहीं कि सामने वाला एफर्ट डाल रहा है। लेकिन अगर देखो तो दोनों तरफा चलाई जा रही थी, तभी रिलेशनशिप था, मज़े दोनों कर रहे थे, आप भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे, चाहे वो फिजिकल इंटीमेसी हो, घूमना फिरना हो, ये भी कर रहे थे। लेकिन अब अगर ये आपको फिजिकल इंटीमेसी के लिए बोले तो तुम मुझे यूज़ कर रहे हो, अरे भाई कल तक तो आप भी रेडी थे। देखो मैं सही गलत की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको मूव ऑन करने से पहले समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप एक बार एकांत में सोचो कि क्या आप अपनी जगह पर सही हो। अब सिचुएशन हर किसी की डिफर कर सकती है, प्लीज़ मुझसे लड़ने मत लग जाना कमेंट बॉक्स में, दीदी वो ऐसा है वैसा है, इसने ये किया, मेरी ज़िंदगी नरक कर दी, मुझे चीट किया, मेरे को देखे देखे धोखा दे दिया। ठीक है, हर किसी का अपना एक पॉइंट हो सकता है। अब ये जिसके साथ कनेक्टेड है वो ठीक है, लेकिन मुझसे नाराज़गी या मुझसे झगड़ा मत करो यार, मैं मेहरबानी करके हाथ जोड़ती हूँ। ये काफ़ी लोगों को समझ में आएगी बात कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, और काफ़ी लोग जो इससे कनेक्टेड नहीं है, जिनकी स्टोरी डिफरेंट है, हर किसी की कहानी एक जैसी नहीं हो सकती, राइट? जिसकी स्टोरी डिफरेंट है वो डिसकनेक्ट हो जाएगा, समझ जाएगा कि नहीं यार मेरे लिए नहीं है। बट अगर आप उन व्यक्ति में से हो जिसमें आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर बदल गए, तो कहीं आपने रीज़न जानने की कोशिश की कि कहीं बदलाव आप में तो नहीं आए थे, कहीं चेंजेस आप में तो नहीं आ गए, कहीं आप तो ईगो में नहीं आ गए कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, कहीं आपके अंदर तो ये एनर्जी नहीं आ गई। अक्सर मैंने देखो आप लोगों को कहा है कि इनर वर्क करो, मेडिटेशन करो बहुत ज़्यादा। क्यों बोलती हूँ मैं मेडिटेशन? कभी सुना है, कभी सोचा है इनर वर्क का रीज़न क्या होता है? आज मैं आपको खुलकर समझाती हूँ। जब आप इनर वर्क और मेडिटेशन करते हो ना, तो आपके अंदर एक ऐसा भाव पैदा होता है जो खुद से होता है, ये क्रिएट होता है, जहाँ पर धीरे धीरे आप मेडिटेशन में या इनर वर्क में एक हायर लेवल के स्तर पर पहुँचते हो। जैसे जैसे आपकी हीलिंग होती है, तो आपको रियलाइज़ होता है कि आपने पास्ट में क्या क्या मिस्टेक्स की थी। सामने वाले की मिस्टेक्स तो अभी आपके दिमाग में ऑलरेडी है, प्रॉब्लम ये है कि पास्ट में आपकी मिस्टेक्स क्या है वो आपको याद आ जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक उदाहरण देती हूँ, जब मैं अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में थी, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में रह चुकी हूँ, अगर आप लोगों को नहीं बता तो मैं वापस बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन ये एक्सप्लेन करना ज़रूरी है वरना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। जब मैं अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में थी, मैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से 1 साल से ज़्यादा तक गुजरी, मतलब मुझे लग रहा है मैंने 12 महीने तक का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन झेला है, ठीक है। शुरुआती तौर पे मुझे ऐसा लगता था कि मेरा पार्टनर एकदम बेकार आदमी है, उसने मुझे यूज़ किया, मुझे चीट किया, काम ना बनने पर उसने मुझे धोखा दे दिया, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट की, आज उसने मेरे साथ गलत किया, भगवान उसे सजा दे, इस तरीके की एनर्जी बनती थी। गुस्सा आता था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, अपने आप पर ज़्यादा आता था कि ऐसा लगता था कि मैंने उस पर ट्रस्ट ही क्यों किया, ना मैं ट्रस्ट करती ना मेरे साथ गलत होता। लेकिन जैसे 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 मैंने इनर वर्क शुरू किया और जैसे जैसे मेरा मेडिटेशन वगैरह भी शुरू हुआ, तो धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस रिलेशनशिप में 1000 गलतियाँ मेरी भी थी,
मैं बहुत ईगो में आ गई थी, मैं बहुत पावर में आ गई थी, मैं हर समय लड़ती थी और मैं बोलती थी तू उसको ज़्यादा ध्यान क्यों देता है, तू उससे ज़्यादा बात करता है, तू मुझे झूठ क्यों बोलता है, मैं तेरे पे भरोसा नहीं करूँगी। हद एक हो गई। एक समय वो भी याद आया जहाँ पर मैंने अपने पार्टनर का कॉलर तक पकड़ लिया था, तो मुझे वो सब चीज़ें याद आ गई कि मैं वहाँ पर इस तरह क्यों बिहेव कर रही थी, जबकि मेरा पार्टनर मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था कि बाबा मैं तेरा हूँ, बात वहीं ख़त्म हो जाती है, तुझे क्यों लगता है कि दुनिया में बाकी लोग मेरे लिए महत्व रखते हैं। और मैं उस वक्त उसको गुस्सा दिखा रही थी, चिल्ला रही थी, और गुस्सा इतना एक्सट्रीम लेवल की गाली गलौज और क्या नहीं बक देते। पर तब क्या होता ना, मुझे रियलाइज़ ही नहीं होता क्या, मुझे लगता है मैं सही हूँ क्योंकि ये मुझे हर्ट करता है। जब देखो ये मुझे हर्ट करता है, ये मुझे नीचा दिखाता है, ये मुझसे ज़्यादा दूसरे को वैल्यू देता है, और ये बदल गया धीरे धीरे। इनर वर्क के दौरान पता चला बदला वो था ही नहीं, बदल तो मैं रही थी। मेरा प्यार एक्सट्रीम हो गया धीरे धीरे समय के साथ, मेरा प्यार अति हो गया, जो झेल पाना डिफ़िकल्ट हो गया उनके लिए। वो लगने लगा कि जैसे इनसिक्योर वो भी होते थे, ऐसा नहीं था कि वो नहीं होते थे, वो भी जेलस होते थे अगर मैं किसी से बात करती थी तो, वैसा मेरा हाल होता था, मैं भी इनसिक्योर होती थी। वो लेकिन तरीके से हैंडल करते थे और मेरा तरीका बहुत ज़्यादा ऐसा बचपन हो जैसा। जब इन चीज़ों पर मैंने काम किया तो मुझे पता चला कि बहुत सारी मिस्टेक्स मेरी भी थी। तो तभी कह रही हूँ जब यूनियन हुआ ना, तो यूनियन में ये रियलाइजेशन आया कि यार इसका दोष तो था ही नहीं। यूनियन के टाइम पे जब चीज़ें बेहतर हुई तब लगा इसका अकेले का दोष कहाँ था यार, दोषी तो मैं भी थी। चीज़ें फ्रेश स्टार्ट करना इजी हो गई, मतलब हम लोगों के लिए दोबारा नई शुरुआत करना आसान था, क्योंकि तब हम दोनों में ये सवाल मिलते ये नहीं हुआ कि तू गलत थी या तू गलत थी, हम दोनों का सॉरी सामने था कि हाँ तू सॉरी मैं भी सॉरी, क्योंकि ये फैक्ट था। तो यही मैं बोल रही हूँ कि आपके अंदर क्या चेंजेस आए, आपने क्या बदलाव लाया। अब प्लीज़ मुझे रोते हुए मत बोलना दीदी बस दुख तो इस बात का है मैंने उसे बहुत प्यार दिया। प्यार सबने किया, दोनों ने एक दूसरे से किया। मैं कभी भी इस बात को ये कहूँगी कि अगर कोई रिलेशनशिप बहुत साल से चल रहा है तो उस रिलेशनशिप में दो लोग मौजूद हैं, कोई एक नहीं, दो लोग मिलकर निभा रहे हैं इसको। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जब समय हमारा बिगड़ जाता है, नक्षत्र बिगड़ जाते हैं, तो हमारी मति जो है भ्रष्ट हो जाती है, और उसके बाद हमें लगता है सामने वाला गलत, ये वो पॉलिटिकल है। ठीक है ना, वो पॉलिटिकल है, आप कम हो, आपने भी कई बार पॉलिटिक्स की होगी। ठीक है ना, वो झूठ बोल रहा है, आपने भी कई बार झूठ बोला होगा। ठीक है, वो उस वक्त ध्यान दे रहा है दूसरी जगह, उसकी प्रायोरिटी होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी भी होगी कोई प्रायोरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये होता है वाइब्रेशन, जब आप किसी जर्नी में हो ये होती है एग्जैक्ट हीलिंग, जब आप समझ जाते हो कि सामने वाला मेरे जैसा ही है और वो मुझसे प्यार करता है, और मैं उसे स्पेस देती हूँ, स्पेस देना आसान हो जाता है। तो अब फिर से मैं कमिंग बैक ऑन टॉपिक, ये करंट एनर्जी आपकी है, क्या ये आपसे मैच हुई? अगर मैच हुई मस्त वाला लाइक चिपकाओ, क्योंकि अब आगे की रीडिंग मैं कंप्लीट करने जा रही हूँ। रीडिंग अभी बाकी है मेरे दोस्त, रीडिंग लंबी है लेकिन एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, वरना आप लोगों को लगेगा सामने वाला ही गलत है, वही दोषी है। ठीक है, एनर्जीज जो स्ट्रांगली मुझे मिली, लिब्रा एक्यूरस जेमिनी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। अभी आगे और हम लोग एनर्जीज देखेंगे, ऑल साइन रीडिंग्स है, बट जो स्ट्रांगली मिली है मैंने वही बताया आपको। सो यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स को अब आगे रिलेशनशिप में क्या मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्या वेट कर लेना चाहिए। एस ऑफ वॉन्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो अभी यूनिवर्स आपसे पता है क्या कह रहा है, जो मैं समझाऊंगी, अक्सर मैंने बहुत वीडियोस में समझाई है, लेकिन ये बात आप लोगों को ना पल्ले नहीं पड़ रही, समझाती कुछ हूँ करते कुछ और हो, बोलती कुछ हूँ कुछ और ही स्टेप्स ले लेते हो। देखो समझा रही हूँ, आपने अपने पार्टनर को हो सकता है मैनिफेस्ट किया हो, ठीक है। सबसे पहले मैनिफेस्टेशन का सही टेक्निक सीख लो, इंस्टाग्राम पे बताया था मैंने, एक शॉर्ट वीडियो में समझाया था कि अक्सर हम मैनिफेस्टेशन में क्या गलती करते हैं जो आपको कोई नहीं बताता। ये टॉपिक पे इंस्टाग्राम पे आपको वीडियो मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक करो हम कहाँ गलती करते हैं अपने पार्टनर को, कैसे हम लोग, मैं एक शॉर्ट वीडियो है, चेक कर लो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। सबसे पहले तो मैनिफेस्ट किया है तो बिलीव भी करना शुरू करो, मैनिफेस्टेशन का टेक्निक उसमें देख लो, और उसके बाद बिलीव करना शुरू करो कि वो चीज़ें घटित हो रही, उस चीज़ के लिए पॉजिटिविटी लाओ। वो व्यक्ति नहीं आएगा ऐसा माइंडसेट क्यों है, या मैं वेट कर रही हूँ या मूव ऑन करूँ। अरे तुम वेट कर ही क्यों रहे हो रिलेशनशिप में, मैंने अक्सर कहा है आप वेट नहीं कर सकते,
आप वेट कर रहे हो, मतलब आप यूनिवर्स को साइन दे रहे हो कि मैं वेट कर रही हूँ, वो चीज़ मेरे पास नहीं है, वो चीज़ मेरे पास नहीं है। तो मैनिफेस्टेशन का यही टेक्निक गलत है कि अगर आप किसी का वेट कर रहे हो और यूनिवर्स को बोल रहे हो ये चीज़ मेरे पास नहीं है, तो यूनिवर्स नहीं देगा। पर यूनिवर्स को बार बार ऐसे बोलोगे कि हाँ आई एम कूल, वो मेरा ही है, मेरे पास ही है, मेरा ही रहेगा, मेरे साथ ही है, बात ही ख़त्म। पर अक्सर हम क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वेट कर रहे हैं, अभी तक आ नहीं रहा है चीज़ें। और मेन पता है क्या होता है, एक तो मैनिफेस्ट किया, ऊपर से डे एंड नाइट उस मैनिफेस्टेशन के बारे में सोच रहे हो, हुआ नहीं हुआ हुआ। अरे नहीं, प्रॉब्लम क्या है कि आप फ्रेश स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो। वो चीज़ों को जो आपने मैनिफेस्ट की, वो रात में की, सुबह में की, वो उसे भूल जाना है, उसके बाद लेट गो कर देना है। फिर ये देखना नहीं है कि अरे वो कहाँ है, बात नहीं कर रहा है, ये सोचना भी नहीं है। क्योंकि अगर आप स्पेशली किसी जर्नी में हो तो वो आपके पास है, कॉन्फिडेंस होता है रिलेशनशिप का। यार आपसे ज़्यादा थर्ड पार्टी को कॉन्फिडेंस है अपने रिलेशनशिप पे, घमंड करते हैं वो लोग, और आप लोग जो है चाणक्य नहीं, वो जबकि कितने बड़े चाणक्य लोग हैं, लेकिन फिर भी आप लोग कमज़ोर हो, मेरी ज़िंदगी आए, मेरी ज़िंदगी, मेरा बंदा आएगा नहीं आएगा, रोने धोने से बात नहीं बनेगी। ये मान लो कि वो तुम्हारा है, कहीं नहीं जाने वाला, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, सब चीज़ें आसान हो जाएगी। यूनिवर्स कह रहा है फ्रेश स्टार्ट करके अपने गोल्स पे ध्यान दो, गोल्स मनी, पैसे बनाने की कोशिश करो, पैसों पे फोकस करो, गोल्स फोकस मेंटेनेंस, यानी कि अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें मेंटेन कर सकते हो। देखो वर्कआउट शुरू करना ही पड़ेगा, योग अभ्यास है, अगर इनर वर्क कर रहे हो तो योग अभ्यास के बिना बात नहीं बनने वाली। योग अभ्यास आपके लिए ज़रूरी है, योगा मेडिटेशन तो ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, अगर इनर वर्क कर रहे हो तो ये मेडिटरी है। आप इस चीज़ को स्किप नहीं कर सकते कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं, ये आपको करना ही पड़ेगा, ये है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपको अपने रूटीन को सेट करना है और अपने गोल्स तैयार करने हैं। अगर आप एक हाउसवाइफ हो तो अब हाउसवाइफ बनकर बात नहीं बनेगी, अब उठना पड़ेगा और कोई काम करना पड़ेगा। जॉब करो, बिजनेस करो, जो करना है करो, लेकिन खुद को व्यस्त करो, खुद को काबिल बनाओ। दीदी मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, किसने कहा अनएडुकेटेड लोगों के लिए कोई ऑप्शंस नहीं है? अगर मन में श्रद्धा और इच्छा दिखाओगे, बहुत से ऑप्शन ढूंढ निकालोगे, बहुत से ऑप्शंस। आपको मैं बता देती हूँ, जब शुरू शुरू में मेरी योग गुरु जो हुआ करती थी, जिन्होंने मुझे योगा सिखाई, वो खुद एडुकेटेड नहीं थी, बट उन्होंने योग का अभ्यास प्राप्त किया। वो आते थे, वो मुझसे इंग्लिश सीखते थे, आपको पता है, वो मुझसे इंग्लिश सीखते थे और मुझे पूछते थे कि इसका क्या मतलब, उसका क्या मतलब, और वो योगा सिखाते थे। तो सोचो उसका, वो एक हाउसवाइफ थे, तो सोचो उसका इंटेंशन सेट था, एक इंटरेस्ट था। आप भी कुछ ना कुछ कर सकते हो, खुद को ऑक्यूपाइड रखो, बिजी करो। आपने अपने आप को बेहतर बनाया, लेकिन अपने लाइफ को ग्रोथ करने के लिए क्या एफर्ट डाली, क्या इनिशिएट किया, कोई स्टेप लिया कि उतने ही पैसों में काम चल रहा है? दीदी लालच नहीं है, पैसों की कोई भूख है ही नहीं। हाँ, पैसे ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लालच या बुरे चीज़ों के लिए होते हैं। पैसे वो बात नहीं होती है कि लालची लोगों के लिए होता है। आपको ज़्यादा पैसा मिल गया, आपने ज़्यादा कमा लिया, आप दूसरों की मदद कर सकते हो उस पैसों से, आप डोनेट कर सकते हो, आप लोगों का भला कर सकते हो। ये क्यों सोचते हो कि मुझे नहीं कमाना, दूसरों के लिए कमाओ। दीदी दूसरों को एनजीओ में देने के लिए हम क्यों कमाएं? कमा कर देकर तो देखो, दिल को शांति मिलेगी और पता चलेगा कि कैसा फील होता है। अपने ऊपर काम तो करना पड़ेगा, देयर इज़ नो शॉर्टकट बेबी, सीरियसली बता देती हूँ। अगर तुम शॉर्टकट ढूंढ रहे हो कि बैठे बैठे मैं रोते रहूँ और मेरी ज़िंदगी चल पड़े, अरे नहीं चलेगी तुम्हारी ज़िंदगी। बैठे रहोगे, रोते रहोगे, लेजीनेस बैठी रहेगी, तेरी बेवफाइयों को बुला ना सकेंगे वाले गाने गुनगुनाते रहोगे, लाइफ का कोई मोटिव ही नहीं नज़र आएगा, लाइफ इधर उधर दिशाएं भटकते रहोगे, यहाँ नहीं समझ में आ रहा, वहाँ नहीं समझ में आ रहा, पूरा दिन कर क्या रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, वो ब्लॉक करेगा, अनब्लॉक करेगा, यही सब चेक कर रहे हो, क्या काम जाए, छोड़ दो उसको, अपने काम पे ध्यान दो। वो आपका है, आपको पता होना चाहिए, वो आपका है, आप ही के पास ही आना है। ठीक है भाई, भगवान वो मेरा है, मेरे पास ही आएगा, किधर जाएगा? आपने मैनिफेस्ट कर लिया, यूनिवर्स को बोल दिया ये चीज़ मुझे मिल गई है, बस बात खत्म। उसके बाद आपको पूरा दिन अपने आप को ऑक्यूपाइड रखना है, अपने काम पे फोकस करो, अपनी ग्रोथ करो, प्लांटेशन पे फोकस करो। जॉब करना, बिजनेस करना मुश्किल है, चलो भाई नर्सरी खोल दी जाए, पौधे वगैरह बना बना कर भेजो, एनवायरमेंट के लिए कितना अच्छा है, पेट्स के लिए कुछ करो। क्या आपका इंटेंशन, कुछ ऐसा करते हो आप जिससे आपकी लाइफ में ग्रोथ हो? कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, आपकी लाइफ में आपने ग्रोथ लेने के लिए क्या किया है, कुछ इनिशिएट किया है? दीदी हमारी तो 9 to 5 वाली जॉब हो जाती है, उसके बाद हम थक जाते हैं, फिर हम ना खाना वाना खा के सो जाते हैं। है तुम्हारी ज़िंदगी, ये है तुम्हारी ज़िंदगी। क्या आपने कुछ पढ़ने का प्रयास किया, कुछ नया करने का? भाई अगर 9 to 5 की ज़िंदगी है तो भाई पता है, शाम को आने के बाद या रात को आने के बाद क्या कोई किताब लेकर पढ़ने का, नया ज्ञान, कोई नया विजडम लेने की कोशिश की?
नहीं आपको तो फुर्सत ही नहीं है, नेटफ्लिक्स देखना होगा, या सर ये जो बॉस है, या सॉरी बॉस बोल रही हूँ, आपके बंदा या बंदी, चेक करना होगा कि उसने ब्लॉक किया अनब्लॉक किया, उसके स्टेटस देखने होंगे, उसके लिए इमोशनल स्टेटस लगाने होंगे, मरने काटने वाले वो अलग, वो अलग स्टेटस, उससे फुर्सत कहाँ है आप लोगों को। सो यार आपकी गलती, आप में खुद दोषी भी आप, और उसके बाद सामने वाले को दे देना दन गालियां दे रहे हो। यूनिवर्स कह रहा है अपने पे काम करो, अभी भी वक्त है, खुद की मेंटेनेंस करो, खुद का बेहतरीन परफॉर्मेंस करो। हाँ ग्रोथ स्लो हो सकती है, चीज़ें जल्दी वर्क नहीं करेंगी, लेकिन तुम भी उतने ही स्लो चल रहे हो, इसलिए चीज़ें स्लो हो रही हैं। तुम्हें मेहनत करनी होगी, 2 दिन मेहनत करते हो, 4थे दिन वापस से शुरू हो जाते हो। हे भगवान, कहाँ है वो, तो आया ही नहीं। दीदी ने तो बोला था 1 हफ्ते में आ जाएगा, ये तो आया ही नहीं। कैलेंडर में ना एक डेट मार्क करके रख दी है और बोल रहे हो अभी तक आया ही नहीं, तो ये कैसे चलेगा? लेट गो कर दो, तुमको बोल दिया गया वो आएगा तो आ जाएगा, कहाँ जाएगा वो? अपने ऊपर विश्वास नहीं, अपने रिश्ते पे विश्वास नहीं? अरे फिर क्या प्यार किया, कोई प्यार व्यार नहीं किया, मजाक किया फिर तुम लोगों ने, कोई प्यार नहीं किया, फिर सच्चाई कहाँ है प्यार में? मेरे यूनियन के टाइम पे मुझे कॉन्फिडेंस होता था कि इधर नहीं जाएगा, घूम फिर के यहीं आएगा। 1 साल होने के बाद भी मुझे गारंटी थी, सोचो 1 साल हो चुका था, मुझे गारंटी थी 100% कहीं नहीं जाएगा। मुझे गारंटी थी कि जितना प्यार मैंने उसको दिया है ना भाई, कोई उसको दे नहीं सकता है, और जितना प्यार मैंने कमाया है इससे गारंटी है भाई सच्चा प्यार है मेरा। मैं कभी डाउट ही नहीं करती थी, मुझे लगता था ये मेरा सच्चा प्यार है। शुरू शुरू में तो डेफिनेटली था, फिर बाद में हीलिंग के बाद मैंने अपना काम किया। अच्छा बाय द वे, मैं तुम लोगों के लिए वर्कशॉप रखने के बारे में सोच रही हूँ। लेट मी जस्ट सी, लेट मी लेट डिसाइड। एक्चुअली मैं थोड़ा सा प्लान कर रही हूँ, एक्चुअली इस मैनिफेस्टेशन पे कोई वर्कशॉप प्लान करने वाले हैं हम लोग, बहुत जल्दी होने वाला है, फिर वो संडे को रहेगा, देखते हैं, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। सो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि यार तुम लोगों के लिए सेवा करने के लिए ही कमा लो या कुछ चीज़ें कर लो, आपके जीवन में नेगेटिव लोगों को सबसे पहले निकालो, सबसे पहले डिटैच करो। अरे क्या हुआ, अभी तक उसने फोन नहीं किया, अल्लाह अभी तक उसने बात नहीं की, अरे वो था ही बेकार, तेरे को पता है तुझे यूज़ करता था। ऐसे लोग जो है ना उनको बोलो भाई तुम अपने घर तक सीमित रहो, तुम अपने घर की पंचायत देख लो, तुम मेरी जिंदगी में मत घुसो। सीधी सी बात है, या तो अगर आपको डेली उनके साथ रहना है तो आप उनको टेढ़ा जवाब देना सरकैज़म में या डिप्लोमेटिक या होकर जवाब दे दो, या उस व्यक्ति को अवॉइड मारो टोटल, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि वो आपका मोराल पूरा खराब कर रहा है, पूरा दिमाग खराब कर रहा है कि आपका कुछ नहीं हो सकता, आपका पार्टनर तो था ही कमीना, ये आपका माइंडसेट उन्होंने बना दिया है। तो भाई आपको वो कमीनी या कमीना ही लगने वाला है, फिर आपको वो बंदा समझ ही नहीं आने वाला। तो सबसे पहले तो ऐसे लोगों को कट आउट करो कि तुमको नहीं मालूम, बाढ़ में जाओ। दीदी इससे तो हम अकेले हो जाएंगे, क्यों दूसरे अच्छे दोस्त नहीं बना सकते, अच्छे लोगों के इर्द गिर्द नहीं घूम सकते? पॉजिटिव लोग मिलते ही नहीं क्या? पूरी 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 लाइफ में ही आपके सारे सारे के सारे नेगेटिव लोग ही भर रखे हैं क्या? और फिर बोलते हो कि दीदी हम तो प्योर लोग हैं। अगर नेगेटिव आसपास इतने लोग हो गए हैं तो क्यों हुए हैं? आपने नेगेटिविटी को इतना अट्रैक्ट कैसे किया है? सोचो कभी इसके बारे में। आज तो दीदी फुल क्लास लेने के मूड में, हमारी लग गई क्लास, हमने तो ये टॉपिक मांगा, गलती कर दी, गलती तो की आज, आज तो बहुत बड़ी गलती की। ये मूव ऑन और वेट वाला टॉपिक मैंने इतनी बार इस चीज़ को कवर किया है ना, बट सामने वाले ना मेरी बात को समझ नहीं पा रहे। मुझे कभी कभी गुस्सा इस बात का आता है कि यार मैं इन लोगों को हील करने निकली हूँ, मैं चाहती हूँ ये हील हो जाएं, ये अपनी ज़िंदगी में एकदम खुश हो जाएं, इनकी फेस पे मुस्कुराहट हो, ये मेरा मोटिव है, पर ये देखूँ एक अलग ही दिशा में रोते हुए गाते हुए, और भाई मेरे को समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ। अभी इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन है, पर्सनलिटी बुक कर सकते हो, ऑप्शन है, और कॉल और वीडियो कॉल का ही ऑप्शन रखा है। मेहरबानी करके प्लीज़ मत पूछो कि वॉइस नोट ऑप्शन नहीं है क्या दीदी, शॉर्ट रीडिंग ऑप्शन नहीं है क्या दीदी, रेट हाई कर दिए क्या आपने, रेट इतने बढ़ा दिए क्या? यार मेरी टीम रिप्लाई कर रही है, सबसे पहले तो दीदी रिप्लाई कर ही नहीं रही है। दूसरा एक बात बता देती हूँ, शॉर्ट रीडिंग और सब इसलिए हटा दी क्योंकि इतना ज़्यादा वर्कलोड आने लगा कि सामने वालों को ध्यान दे पाना तो छोड़ो, मेरी खुद की सेहत ख़राब रहने लगी। दूसरा ये हो गया कि शॉर्ट रीडिंग्स इसके कारण हमने बंद की और प्राइसेस हाई कर दिए, बिकॉज कैसा है ना सब तक पहुंच पाना मुश्किल हो चुका था, तो प्राइसेस हमने हाई कर दिए कि भाई सब तक पहुंच पाना डिफिकल्ट है। ऐसे करीबन हज़ारों में बुकिंग हो रही थी, ऐसे कम से कम कैसे ना सिलेक्टेड 6-7 लोग जो इंपॉर्टेंट, जो लोग बहुत नीड में होंगे वो अप्रोच करेंगे। हाँ अभी बोल लो दीदी लालची है, बाहर में जाओ, मेरे को कुछ बोलने में, मेरे को कुछ एक्सप्लेन ही नहीं करना है, मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ? मैं बोल रही मेरी इंसान, देखो यार एक इंसानी ताकत है मेरी, मैं कितनी एनर्जीज ला सकती हूँ, मैं कितने अंदर अपने अपनी एनर्जीज कितनी डाल सकती हूँ। एक एक दिन में मैं 85-90 रीडिंग्स डिलीवर कर रही थी, मेरी जान पे आ चुका था, मेरी हेल्थ कितनी ख़राब हो रही थी, तो इसके चक्कर में मैंने
जानबूझ के ये सिस्टम ही हटा दिया। कॉल रीडिंग का ऑप्शन, वीडियो कॉल का ऑप्शन है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। आप बस व्हाट्सएप पे हाय भेजोगे, टीम आपको पूरा कोटेशन भेज देगी, ठीक है। यूनिवर्स आप मुझे जवाब दें कि क्या इनको मूव ऑन करना चाहिए अपने रिलेशनशिप से, यस और नो, यस और नो, यस और नो। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है इनके रिलेशनशिप में, फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है रिलेशनशिप में। वाओ, द स्टार, द टावर, ओके, द टावर को क्लारिफाई करें। एट ऑफ कप्स, डेथ, ओके। देखो एक बात सही से बताती हूँ, आपको मूव ऑन तो करना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप से, ज़रूरी है, फ्रेश स्टार्ट है। यूनिवर्स बार बार आपको कह रहा है बी क्रिएटिव, स्टार्ट फ्रेश, ठीक है। मूव ऑन तो करना पड़ेगा, आप वेट नहीं कर सकते। मैंने आपको बता दिया मैनिफेस्टेशन इस तरह वर्क वैसे भी नहीं करता है, आप वेट कर रहे हो रिलेशनशिप काम ही नहीं करेगा। दूसरा, एक क्लैरिटी देती हूँ, आप आगे बढ़ोगे, मूव ऑन करोगे, आपके पार्टनर की एंट्री दोबारा होने वाली है, फॉर श्योर होगी, फॉर श्योर 100-200% होने वाली है। ये वापस आने वाले हैं, आने वाली है, लड़का लड़की जो भी है, इनका चाहे कितना भी हैवी ईगो हो, जितने भी स्टबन हो, जितने भी अड़ियल हो, जितने भी घमंडी हो, लेकिन ये वापस आने वाले हैं, इनका अप्रोच वापस आएगा। ये आपको लेकर अथॉरिटेटिव भी होंगे और ये आपको वापस अपनी ज़िंदगी में पहले जैसा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर विश फुलफिलमेंट दिखाई दे रही है। लेकिन अब मैं एक चीज़ क्लारीफाई कर देती हूँ, टावर की एनर्जी, एट ऑफ कप्स और डेथ, तीनों ही बहुत ही नेगेटिव एनर्जी आई है। ये रिप्रेजेंट कर रही है, ये डिसीजन आपका होगा, ये रिलेशनशिप आपको रखना है कि नहीं रखना है, क्योंकि आपके ऊपर निर्भर करता है अब ये रिलेशनशिप आएगा। क्योंकि हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बन रही है बार बार, वो व्यक्ति आते हैं बट आपका बिहेवियर या पैटर्न कुछ ऐसा होता है जिसके कारण डिस्कनेक्ट हो जाती है सारी एनर्जीज। तो यार यूनिवर्स आपको कह रही है वो आएंगे ज़रूर, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, आपको सब्र रखना होगा इस विश फुलफिलमेंट के लिए, इसके लिए पॉजिटिव होना पड़ेगा। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इंस्टेंटली मैजिक हो जाए, ठीक है। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैजिक तो खुद ही हो गया था, मेरे लिए तो एकदम इंस्टेंट हो गया था। बट आप लोग, मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं सोच सकते कि एक ही दिन में आकर वो अचानक से प्रपोज करे, रिंग ले ले और आप या मंगलसूत्र पहना दे, ऐसा नहीं होने वाला। फिल्मी दुनिया से बाहर निकलो, नॉर्मल रहो, जब वो आते हैं आप पोलाइट रहो, रिलेशनशिप को मेंटेन करने की कोशिश करो पोलाइट एटीट्यूड के साथ, जैसे रिलेशनशिप था उसे सुंदर बनाओ। रिलेशनशिप में धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होगी, लेकिन अगर इम्पेशेंट हो जाओगे तो ये रिलेशनशिप एंडिंग पोजिशन पर आ जाएगा। इस रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, ये रिश्ता नई शुरुआत दे रहा है आपको, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये रिश्ता नए सिरे से शुरू होगा, सब कुछ नए सिरे से शुरू होगा। पुरानी बातों को मिट्टी डालना पड़ेगा, पुरानी बातों को लेकर बैठे हुए हो, ये रिलेशनशिप किसी तरह आपके वर्क नहीं करने वाला, फिर वापस पुरानी ही बातें निकलेंगी। अगर फोकस दूसरे तीसरे व्यक्ति पे ज़्यादा है तो भाई साहब कुछ नहीं होने वाला, फिर तो ये रिलेशनशिप का कुछ नहीं हो पाएगा। पहले अपने ऊपर इनर वर्क करो, क्योंकि इनर वर्क करने से आपका डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रांग हो जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि आपको करना क्या है, ठीक है। दूसरा, आपके पार्टनर आएंगे ज़रूर, प्लस मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है जिस दौरान आपके पार्टनर आएंगे उस टाइम पे आपके पास ऑलरेडी एक और अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्टेड है, पॉसिबिलिटी है, आपके पास दो चुनाव होंगे, क्योंकि आपकी विश फुलफिलमेंट है। ऐसा लग रहा है यूनिवर्स आपके आसपास बहुत लोगों को भेज रही है और कहीं ना कहीं आप लोगों को अट्रैक्ट करते नजर आ रहे हो, बट यहाँ पर डिसीजन आपका होगा। अगर आप बहुत नेगेटिव माइंडसेट के साथ बैठे हो, अगर आपका ध्यान पूरा पास्ट की बातों पे है कि पास्ट में इसने मेरे साथ ये किया वो किया, तो सॉरी टू से दिस, आपका रिलेशनशिप आपका आप ही के हाथों से एंड होगा। फिर आपको मूव ऑन ऐसा हो जाएगा कि ठीक है, अब रिलेशनशिप में कोई चारा नहीं, कोई होप नहीं, सब कुछ खत्म, ठीक है। तो यस, मूव ऑन करना है, वेट नहीं करना है, ताकि आपको अपॉर्चुनिटी मिले, विश फुलफिलमेंट हो सके, बाकी डिसीजन ये आपका होगा, ये आप डिसाइड करोगे कि आपको ये रिलेशनशिप रखना है कि नहीं रखना है। क्योंकि अगर ये रिलेशनशिप एंड होगा तो ये आपकी अपनी चॉइस से होगा, ठीक है। सो ये थी आप लोगों के लिए लॉन्ग डिटेल डीप रीडिंग। हो दीदी, इतना लेक्चर दे दिया कि क्या ही बोलूं। अरे आपको एक बात बताऊं, मैं जब रीडिंग शुरू कर रही थी तो रीडिंग शुरुआत करने के दौरान मेरे सामने 11:11 का साइन आया, मतलब मैं वॉच देख रही थी और अचानक से मैं देख रही थी टाइम कितना हुआ, तो 11:11 मतलब शुभ मुहूर्त है, सुपर अच्छा मुहूर्त है रीडिंग पोस्ट, ये मतलब रीडिंग बनाने का। तो यार बहुत बेहतरीन टाइम है और उम्मीद करती हूँ कि एंजल्स की एडवाइस और मेरा ज्ञान और मेरी दाढ़ फटकार से कुछ आप लोगों को समझ में आया हो। यार कभी कभी दीदी स्ट्रिक हो जाती है, करना पड़ता है, आप लोग प्यार से कभी कभी सुनते नहीं हो तो ये करना पड़ता है। अगर अच्छा लगा तो यार लाइक चिपकाना, प्यार देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना
और सपोर्ट करना, कमेंट बॉक्स में क्लेम ज़रूर करना, और यस दीदी को कुछ शेयर करना है तो कमेंट बॉक्स में शेयर करो मेरे दोस्त, नंबर जो दिया है उस पर शेयर मत करो, ठीक है? वो सिर्फ टीम के पास रहता है, मैं वो मैसेजेस देखती भी नहीं हूँ। टीम चेक करती है, बुकिंग करती है, मैं सीधा बुकिंग के टाइम लोगों से बात करती हूँ कॉल पे, तब आता है फ़ोन मेरे हाथ में। इससे पहले मेरे हाथ में फ़ोन नहीं आता, पर मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो कमेंट बॉक्स में दीदी से आप लोग बात करो, ठीक है? दीदी से कनेक्ट कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पर आ जाओ। इंस्टाग्राम पर मैंने नो कॉन्टैक्ट के लिए रेमेडी भी डाली थी, और स्टडीज़ के लिए भी मैंने रेमेडी डाली थी, और उसके अलावा भी मैंने रिसेंट में भी एक और आई डोंट रिमेम्बर मैंने किस चीज़ की, हाँ मैंने मैरिज के लिए भी रेमेडी डाली है। तो यार चेक करो इंस्टाग्राम पे अभी तक क्यों नहीं आए हो, वहाँ पर आ जाओ जल्दी से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है? सो अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।